चाबी किस चीज की है? देखो हमें नहीं पता कि ये किस चीज की चाबी है। वो हमने शिवाय से पूछा कि सौम्या कहाँ है, तो उसने हमें ये चाबी दिखाई, तो हो सकता है ये उस जगह की चाबी हो जहाँ सौम्या हो। तो तुम चाहती हो कि मैं ये चाबी लेकर सारा घर घूमूं और देखूं कि किस ताले में ये चाबी लगती है? तो हमसे तुम और क्या चाहते हो पार्टनर? एक तो वैसे ही हमें अनिका का रोल अदा करना है और घर में हजार काम है, समझो जरा। देखो रोजी रानी, तुम्हें हजार काम हो या लाख, सौम्या को तुम ढूंढोगी। कल मंडप में भव्या नहीं सौम्या बैठेगी, वरना शिवाय नहीं बचेगा और ये शादी रुक जाएगी। मुझे पता है शिवाय जिए या मरे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात समझ लो, अगर ये शादी रुक गई तो तुम्हारा प्लान तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे पार्टनर। देखो अगर तुमने ऐसा किया तो हमारे प्लान पे तो तमंचा चल जाएगा, तो तुम बताओ करना क्या है। जाओ सौम्या को ढूंढो। अनिका कहाँ चली गई? ओ मैं माता, ये तीनों लड़कियां कहाँ चली गई? मुझे लगता है बॉयज के पास गई होंगी। रब्बा इतनी बार बोला, चल जरा देखते हैं। पता नहीं लड़की कहां चली गई, जाके देखता हूं। क्या हो? बस ऐसे ही परेशान लग रही होने का। रुद्र की शादी के बारे में सोच रही। सब कुछ सही से हो जाए। सब कुछ सही से ही होगा, इनफैक्ट बहुत अच्छा होगा, और जब भी हम दोनों साथ होते हैं सब अच्छा ही होता है। क्या? अच्छा सुनो। हाँ क्या? पूछ सकती हूँ तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? वो दरअसल छोटी माँ जी, वो हम गर्मी वहाँ, हमें वहाँ पे ना बहुत गर्मी लग रही थी, इसीलिए हम यहाँ पर आ गए। झूठ मत बोलो भव्या, ये घर फुली एयर कंडीशन्ड है। सच सच बताओ, शिव अमरू से मिलने आए थे ना? प्रियंका आंटी जी नहीं,
सच में बहुत ही ज्यादा गर्मी है वहाँ, सब बहुत लोग हैं ना, तो दम घुट रहा था हमारा, तो हम आ गए यहाँ पे थोड़ा हवा लेने के लिए, फ्रेश एयर। अब चले, गेस्ट को अटेंड भी करना होता है अगर उन्हें बुलाया जाता है तो। चलो, पता नहीं वो वीर क्या कर रहा होगा, मुझे जाके देखना चाहिए। हम ये सोच रहे थे पिंकी आंटी जी, आप लोग चलिए, वो का है पूजा की सामग्री हमें चेक करनी है, पंडित जी ने लिस्ट भेजी थी और वक्त नहीं मिला है देखने का, हम जाके वो करके आते हैं हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, खत्म करो और जल्दी आना उधर। बदमाश, कितना मजा आया ना बचपन में, कैसे मॉम की डांट से बच के हम यहाँ रूम में भाग के जाया करते थे। कितना कुछ बदल गया, हम ये तो कितना बदल गया, सिर्फ रूडी नहीं बदला, बचपन से लेकर आज तक वही का वही आईक्यू जीरो। थैंक्स यार। आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, यानी जीरो। तो तुझे क्या हो गया? पता नहीं, मोमेंट दोबारा मिले ना मिले। ऐसा क्यों कह रहे हैं? शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। इसलिए मैं इस मोमेंट को फुली एंजॉय करना चाहता हूँ। ओके। तेरा आखिरी दिन है ना बैचलर रात, सॉरी, तो इसके लिए इसकी फेवरेट बेवरेज बना रहा हूँ, शिवाय हॉट चॉकलेट। मैं जाके हॉट चॉकलेट। वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा है आपको जाने देने का, बट बात हॉट चॉकलेट की और मुझे एनर्जी की जरूरत, तो मैं आपको जाने देता हूँ। अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना तेरे। अरे भैया जा रहे हैं। अरे भैया, अच्छा ठीक है फिर। अरे भाई को मारेगा क्या शादी से पहले? सौम्या, सौम्या उठो। पार्टनर, हमें बहुत डर लग रहा है, अगर किसी ने हमें इसे देख लिया तो तमंचा चल जाएगा। एक काम करते हैं, इसे कमरे में ले चलते हैं, प्लीज। सही कह रही हो। क्या हो रहा है यहाँ? पूछ रहा हूं मैं तुमसे, संगीत छोड़ के यहां क्या कर रहे हो? यही कर रहे थे हम, ये हम सफाई कर रहे हैं, इधर गंदा हो गया। सफाई कर रहे हो इस वक्त? चोट दरियल आपके लिए, आपको है ना ऐसा कि सब चमकता चाहिए एकदम, इसलिए हम एकदम क्लींज कर रहे हैं। देखिए एकदम कितनी गंदा, कहां जा रहे हैं? साइड हटो, मुझे वो मक्स चाहिए। आपको कोई जरूरत नहीं है करने की, मेहनत हम कर रहे हैं। नहीं, मुझे हॉट चॉकलेट बनाना है रुद्र और ओम के लिए। हाँ ठीक है, हम करते थे, हम ले आते हैं, आप रहिए इधर। मुझे कैसे भी करके शिवाय को यहाँ से भेजना होगा। मालिका आज ही चाहिए मुझे। लेकर आ रहे हैं हम, एक मिनट, एक मिनट। क्या? तुम और तुम्हारी ये जो लत है ना एक्सीडेंट की, हर वक्त कुछ ना कुछ कर देती हो। आप हमें काहे ऐसे चिल्ला रहे हैं? हाँ, तो हमने कोई जानबूझ के थोड़ी ना किया है। ओके ओके, लगी है क्या? नहीं। मैं कुछ लगा देता हूँ ना इस पे। फिक्र मत कीजिए। तुम चलो, रुको रुको, नहीं तुम चलो चलो चलो, गिव मी सम मनी, कम जस्ट आराम से।
सुनो, फ्रूट बास्केट और मिठाई के डब्बे जाके कार में रख दो। सीधे रखना, उल्टे पुल्टे ना हो, किसी को देने हैं। चल जल्दी जल्दी। कन्ना, कन्ना। यस सर। अच्छा मेक श्योर सारी गाड़ियां रेडी होना चाहिए, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। ओके यस सर। हां मां, मुहूर्त टाइम पे ही होगा, आप उसकी चिंता क्यों कर रही हैं? मां, ये भी कोई कहने की बात है, आपके खोते की शादी बिल्कुल आपके आंखों के सामने ही होगी। हेरो से पहले ना हम आपको जरूर वीडियो कॉल करेंगे। अब फोन रखूं? थैंक यू। बहुत ही सुंदर पायल है। थैंक यू सो मच भैया। You're most welcome. भैया, क्या हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? जो दिल चाहे बता, क्या कहना है? भगवान करे दुनिया की सारी खुशियां तुझे और भव्य को मिले। एक बात बोलूं भाभी, वैसे तो मेरी शादी होने वाली है, पर मैं आज भी वही रिस्पॉन्सिबल और इमेच्योर रूडी हूं। और एक बात बताऊं, मैं हमेशा वैसा ही रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग हो मुझे समझाने के और मुझे संभालने के लिए। हम छोटे से थे जब हमने हमारा पूरा परिवार खो दिया, फिर बहुत साल पुलिस फोर्स में रहे, कोई सिखाने वाला तो था ही नहीं, इसलिए लड़कियों जैसी कोई बात ही नहीं है हमें। खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई, किसी का ख्याल रखना, ये सब तो हमें आता ही नहीं है। बस आता है तो बस लाठी चार्ज, गोली मारना या अरेस्ट कर लेना। इसलिए ना हमें लगता है कि रुद्र के लिए हमें झेल पाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। मैं जानता हूं कि कभी ना कभी गलती से मुझसे भी मिस्टेक होगी, तो एक प्रॉमिस कीजिए, अगर मुझसे कभी भी कोई गलती हो तो आप भव्य का ख्याल रखेंगी। कल मंडप में भव्य नहीं सौम्या बैठेगी, वरना शिवाय नहीं बचेगा। तो फिक्र मत कर, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। अब प्लीज मुझे ना रुलाना बंद कर, तू ये मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, बहुत टाइम लगा मेकअप करने में, देखना। लड़ाइयां होंगी, इश्यूज होंगे, बहुत सारी गलतियां होंगी, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है भैया, अगर कभी हमारी किसी गलती की वजह से रुद्र हमसे दूर चला जाए या हम रुद्र से दूर चले जाए, तो आप वापस ले आएंगे ना? रुद्री चाहे कितना भी बड़ा टफर हो, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता, और अगर मानो तुमने उसे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगा, ये मेरी मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, कभी ऐसे रोना मत और ये बेवकूफों वाली बात तो कभी मत करना। ओके प्रॉमिस। भौजाई, भाभी, भाभी देखिए पायल बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। देखो दूसरे पैर वाले। मैं भव्य की जगह सौम्या को मंडप कैसे ले जा सकती हूँ? ये रुद्र और भव्या की खुशियों का सवाल है, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मुझे शिवाय को सब बता देना चाहिए, कल रात भी नहीं बता पाई, लेकिन अब भी अगर चुप रह गई तो बहुत बड़ा रायता फैल जाएगा।
क्या हुआ, परेशान हो रही? नहीं, वो हम सोच रहे थे कि वो चुटका भी वहां पर तैयार नहीं हुआ है। कौन रूढ़ी? रूढ़ी, और ये छोटी देवरानी भी यहाँ पे तैयार नहीं हुई है, तो हमें निकलना है, वक्त हो गया है, टाइम हो गया है। आप एक काम कीजिए ना बती देव, आप जाके चुटके को तैयार कीजिए, हम जरा छोटी देवरानी को तैयार कर देते हैं। ओके ओके गुड ओके। तुझे एक बात बोलना चाहता हूं। शादी का दूसरा नाम जिम्मेदारी। मैं जानता हूं कि तुझे अपनी जिम्मेदारियों को समझने में और निभाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तू मेरी और शिवाय की गलतियों से बहुत कुछ सीख सकता है। आई जस्ट होप कि तू वो गलतियां ना करे जो हमने की। ये हमारे परिवार के खानदानी कंगन है जिसे नई बहू को पहनाया जाता है। अब आज तक हम इस घर की नई बहू थे, भौजाई की देवरानी थे, पर अब हम जेठानी बनने जा रहे हैं। प्रमोशन हो गया सॉरी प्रमोशन, और फिर जेठानियों को पूरा हक होता है थोड़ा बहुत ज्ञान देने का, तो हम थोड़ा सा ज्ञान देंगे तुम्हें। आते सिर्फ कंगन नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे तुम्हें निभाना है। आज से इस घर की मान मर्यादा, इस घर की इज्जत का ख्याल रखना अब तुम्हारा भी फर्ज है। हमें पूरा विश्वास है तुम इस जेठानी को क्या कहते हैं डिसअपॉइंट नहीं करोगे, कभी नहीं। इधर आ। शादी करना ना आसान होता है, लेकिन उसको निभाना that's the tough part। अगर पति पत्नी के बीच प्यार हो, विश्वास हो और एक दूसरे के लिए इज्जत, then marriage is beautiful। सिर्फ लव से काम नहीं चलता है, लव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट और एक दूसरे पे विश्वास। तू और भाविया ना एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बनकर रहना, उसके बाद जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए सब तुझे एक बड़ी एडवेंचर की तरह लगेंगे। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।